बांदा प्रदेश सरकार ने होमगार्डों को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा 25,000 होमगार्डों की सेवा समाप्त करते हुए उन्हें बेरोजगार कर दिया है, जिसके चलते प्रत्येक जनपद से सैकड़ों होमगार्ड बेरोजगार हो गए, जिसकी वजह से बेरोजगार हुए होमगार्ड के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। वहीं होमगार्डों का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। इतना ही नहीं, अगर इससे भी काम नहीं चला तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। ऐसी सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे। उन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार में हो रहा है किसी सरकार में नहीं हुआ। अगर उनकी रोजी रोटी छिन गई, हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे चलेगा? हम लोगों के लिए दिक्कत है, हमारी रोजी रोटी क्या रहेगी? अब रोजी रोटी हमारी किसी की रोजी रोटी अगर छिन जाए तो उसमें समस्या तो उत्पन्न होगी। कितने होमगार्ड सेवा मुक्त किए गए जानकारी है? पहले 16,500 पहले कितने मुक्त किया गया था पिछले महीने और इस बार 25,000 से मुक्त किए गए हैं। वही करीबन 41,500 होमगार्ड मुक्त किए गए। अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो हम तो चाहते थे कि जो ना करना पड़े, तो हम शांति से काम करना चाहते थे, लेकिन अब मजबूर होकर तो हम रोड में जाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। या तो सरकार हमारी मानेगी, नहीं तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। होमगार्ड पूरे 80,000-90,000 होमगार्ड है। अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार की हम भी नहीं सुनेंगे। लास्ट में हम चाहेंगे कि नहीं सरकार हटे सरकार, क्योंकि हमारे हित में अगर काम नहीं कर रही है, क्योंकि हर सरकार जो ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ जो भाजपा सरकार में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नहीं कहा कि नहीं इनको बिल्कुल ड्यूटी से हटा दिया जाए, तो पैसा बढ़ा दिया हम लोगों को ड्यूटी से हटा दिया, तो पैसा बढ़ाए तो क्या फ़ायदा? अचानक ऐसे आदेश से किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों को? हो सकता है ये तो बड़ी गंभीर समस्या हम लोगों के लिए उत्पन्न हो रही है। हो सकता है किसी का हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि इसी विभाग से ही रोजी रोटी होमगार्ड जवानों की चल रही है। ड्यूटी बंद होती है तो बहुत से लोगों को हार्ट अटैक होगा, बहुत से लोग जाने क्या क्या हो जाएगा, बहुत से लोग फांसी में जोड़ जाएंगे। अब हो ही गया है पिछले महीने एक नैनी कंपनी का गार्ड जो है, जब सुना 16,000 तो एक हार्ट अटैक हो गया और खत्म भी हो गया। कितने होमगार्डों को सेवा मुक्त किया गया? 16 पहले किया गया, 16,500 और 25,000 ये। उधर लखनऊ में यूपी के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने बड़ा बयान दिया। मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि किसी भी होमगार्ड को निकाला नहीं जाएगा, सभी होमगार्डों को समायोजित किया जाएगा। औपचारिक रूप से चेतन चौहान का बयान कि उनके पास अभी पत्र का कोई मसला सामने नहीं आया है। अगर ऐसा होता भी है तो मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि किसी की भी नौकरी नहीं जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी होमगार्डों को 675 रुपए दिए जा रहे हैं। बजट की समस्या है, मुख्यमंत्री से बजट की मांग की जाएगी। सरकार नौकरी दे रही है, किसी की नौकरी छीनी नहीं जाएगी। पुलिस विभाग ने कोई पत्र लिखा है अपने विभाग को कि 25,000 जो होमगार्ड गृह विभाग में और पुलिस विभाग में लगे हुए हैं, उनकी सेवाओं की उनको आवश्यकता नहीं है। औपचारिक रूप से हमारे पास कोई भी प्रस्ताव या लिखित पत्र नहीं आया है। हो सकता है इलाहाबाद में जो कार्यालय है उनका, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को ये लिखा। मानदेय बढ़ गया है, पहले 500 रुपया था, वो 672 रुपया पर डे हो गया है, तो उसकी वजह से शायद जो बजट है सबका वो गड़बड़ा गया है। अपनी तरफ से मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी होमगार्ड को निकाला नहीं जाएगा। जो सबसे बदतर सिचुएशन भी यदि आती है और यदि 25,000 ये वापस आते हैं होमगार्ड डिपार्टमेंट में, इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, ड्यूटियां हो सकता है कुछ कम हो जाएगी।
हमारी कोशिश ये चल रही है, क्योंकि औपचारिक रूप से लिखित में हमारे पास कोई भी इस प्रकार का पत्र नहीं आया है। हमने अपनी विभाग की मीटिंग बुलाई है और इसमें यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि क्या होगा। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा होमगार्डों को दिवाली से पहले बोनस देने के बजाय बेरोजगार कर घर बैठने को मजबूर कर दिया है। दिवाली से पहले ही 25,000 होमगार्डों के घरों में अंधेरा छा गया है। प्रदेश सरकार के एक झटके में प्रदेश के 25,000 होमगार्डों की सेवा समाप्त करने की घोषणा से सेवा दे रहे लोगों में घोर निराशा है। बेरोजगार होमगार्डों में अब सरकार के खिलाफ आक्रोश है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद और लखनऊ से नील सैनी की रिपोर्ट।